दोस्तों भारत ने अपनी अस्त्र मिसाइल को शुरू से ही देसी मेट्योर मिसाइल के तौर पर नाम दिया हुआ था, तो अब एक्चुअली में मेट्योर मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए भारत की जो अस्त्र मिसाइल है वो पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि अभी तक इसको भारत 1,000 से 1,500 के बीच में ही बना पाया है, लेकिन इसकी पॉपुलरिटी फिर भी बहुत ज्यादा हो गई है। आपको ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि पीएम मोदी ब्रिक्स मीटिंग अटेंड करने के बाद में भारत वापस आने से पहले ग्रीस के दौरे पर जाएंगे, तो इसको लेकर तो पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत और ग्रीस के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए बातचीत होगी, दोनों देशों के रिलेशंस को मजबूत करने के लिए बातचीत होगी और अन्य मुद्दों पर भी बातचीत होगी, लेकिन फोकस होगा डिफेंस को लेकर, क्योंकि ग्रीस का टर्की के साथ में आइलैंड डिस्प्यूट चलता है और टर्की पाकिस्तान एक दूसरे के मित्र मुल्क हैं और टर्की पाकिस्तान अजरबैजान तीनों ने एक तरीके से ट्रायंगल बना दिया है भारत को काउंटर करने के लिए, और तीनों देश मिलकर भारत को परेशान करने के लिए कोई ना कोई हरकत जरूर करते रहते हैं। तो भारत ने भी अपनी कूटनीति को बदलते हुए एग्रेसिवली इस बात को नोटिस किया और भारत ने ग्रीस और आर्मेनिया के साथ में अपने डिफेंस टाइज को बढ़ाने के लिए पूरा बीड़ा उठा लिया। और ये खबर तो आपने सुनी ही होगी कि भारत ने आर्मेनिया को अपने पिनाका रॉकेट सिस्टम और अन्य तरीके के लीथल वेपन्स प्रोवाइड कराए हैं, जिसको लेकर अजरबैजान इतना ज्यादा चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन भारत ने अजरबैजान की एक भी नहीं सुनी और आर्मेनिया को अपने लीथल वेपन प्रोवाइड भी करा दिए, जिसको लेकर अजरबैजान बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि अजरबैजान के पास में भारत के इन हथियारों का कोई भी तोड़ मौजूद नहीं है। तो अजरबैजान टर्की व पाकिस्तान अपने मित्र मुल्क देशों के साथ में मिलकर मदद की गुहार लगाता रहा, तो अब भारत ने टर्की की भी दुखती रग पर हाथ रख दिया है और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करने के बाद ग्रीस दौरे पर जाएंगे, वहां पर दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन, दोनों देशों के बीच में रिलेशंस को मजबूत करने के लिए बातचीत होगी। वहीं जब ये खबर निकल कर आई कि पीएम मोदी ग्रीस के दौरे पर जाएंगे, उसके 1 से 2 दिन बाद ही ये खबर निकल कर आई कि भारत को यूरोप के लिए गेटवे चाहिए, यानी कि एक बंदरगाह की आवश्यकता है जो कि सीधे यूरोप में एंट्री करा सके भारत की, उसके लिए ग्रीस के पास एक पोर्ट है, इसको लेकर भी पीएम मोदी बातचीत करेंगे ग्रीस के साथ में। वहीं बता दें कि आपको जो ग्रीस देश है वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसको लेकर भी बातचीत दोनों देशों के बीच में होगी और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि दोनों देशों के बीच में डील भी साइन हो जाए ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। उसके बाद में भारत ने ये बोला कि हमारे पास 2 और मिसाइलें हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं और ग्रीस के डिफेंस को बहुत तेजी से मजबूत कर सकती हैं, जिसमें पहली मिसाइल है एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, ये टर्की के S-400 को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगी। वहीं दूसरी मिसाइल है अस्त्र मिसाइल, इसको राफेल में इंटीग्रेट किया जा सकता है। आपको बता दें कि जो ग्रीस देश है वो अपनी वायुसेना में फ्रांस का राफेल फाइटर जेट इस्तेमाल करता है, और आपको ये भी बता दें कि फ्रांस व भारत के बीच में MOU साइन हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले, यानी BDL और राफेल को बनाने वाली कंपनी जो कि डसॉल्ट एविएशन है, इनके बीच में MOU साइन हुआ था कि भारत जो भी एयर लॉन्च्ड मिसाइलें बनाएगा उनको राफेल फाइटर जेट में भी इंटीग्रेट करने के लिए परमिशन दे दीजिए, और भारत ने ये भी कहा था कि जो भी दुनिया में अन्य देश राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो भी देश इन मिसाइलों को लेकर इंटरेस्टेड हो तो भारत से उन मिसाइलों को भी खरीद सकते हैं। इसी वजह से भारत अपनी मिसाइल जो अस्त्र मिसाइल है उसको लेकर ग्रीस को प्रोवाइड करना चाहता है, जिससे कि ग्रीस अपने राफेल फाइटर जेट में इनका इस्तेमाल कर सके। ऐसा नहीं है कि अस्त्र मिसाइल के मुकाबले की मिसाइल राफेल फाइटर जेट के पास मौजूद नहीं है, दरअसल फ्रांस की ही मिसाइल है जिसका नाम है मेट्योर मिसाइल, जो कि फ्रांस के राफेल फाइटर जेट में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये मिसाइल बहुत ज्यादा महंगी है और इसका ऑप्शन के तौर पर ही भारत ने अस्त्र मिसाइल को डेवलप किया है, और ये मेट्योर मिसाइल के मुकाबले कई गुना ज्यादा सस्ती मिसाइल है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मेट्योर मिसाइल अभी के मामले में 25 करोड़ रुपए की एक मिसाइल पड़ती है, वहीं 8 करोड़ रुपए में अस्त्र मिसाइल की एक कीमत है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा अंतर है दोनों मिसाइलों के प्राइस के बीच में। इसी वजह से ग्रीस इसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो अब बताया जा रहा है कि जब पीएम मोदी ग्रीस दौरे पर जाएंगे अभी 25 अगस्त के बाद में, वहां पर ग्रीस और भारत के बीच में अस्त्र मिसाइल को लेकर भी कोई ना कोई डेवलपमेंट जरूर निकल कर सामने आएगी। इससे होगा ये कि हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।